बट वे इस प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बर्गेस प्रोसेस की हिस्ट्री, बर्गेस प्रोसेस है क्या और प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। बर्गेस प्रोसेस वॉज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक बर्गेस एंड पेटेंटेड इन 1913। ये इंपॉर्टेंट डेट है। 1913 में बर्गेस प्रोसेस को पेटेंट किया गया और इसी ईयर पर में इसको क्या किया गया, बर्गेस प्रोसेस को फ्रेडरिक बर्जियस ने डेवलप किया। अब इसको क्यों पेटेंट किया गया, इसका मेन रीजन है कोल डस्ट को और हैवी ऑयल का जब हाइड्रोजनेशन किया ऑब्टेन हुआ मिडिल एंड हैवी ऑयल। कोल डस्ट के हाइड्रोजनेशन पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मिडिल और हैवी ऑयल ऑब्टेन करने में उनको सफलता मिली। इस वजह से 1913 में बर्गेस प्रोसेस को पेटेंट किया गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट डेट है 1931 डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, बर्गेस साइंटिस्ट को, जो जर्मन साइंटिस्ट है, को नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया। ये नोबेल प्राइज उनको क्यों मिला, इसका मेन रीजन है क्योंकि इन्होंने केमिस्ट्री फील्ड में हाई प्रेशर केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए इनको नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया। बर्गेस प्रोसेस है क्या, बर्गेस प्रोसेस किसका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन सच एज गैसोलीन, डीजल, जेट फ्यूल एक्सेट्रा। यहाँ पर बर्गेस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। किस फॉर्म में, एज अ सिंथेटिक फ्यूल की तरह काम में लेने के लिए लिक्विड हाइड्रोकार्बन के प्रोडक्शन को ही हम बर्गेस प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पर लिक्विड हाइड्रोकार्बन क्या है, जैसे गैसोलीन, डीजल, जेट फ्यूल एक्सेट्रा। बर्गेस प्रोसेस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, पहला हाइड्रोजनेशन ऑफ कोल और सेकंड है डायरेक्ट लिक्विफिकेशन ऑफ कोल। हाइड्रोजनेशन ऑफ कोल में हम कोल का जब हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो मिक्स्ड हाइड्रोकार्बन को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ कोल। हाइड्रोजनेशन ऑफ कोल का ये एक प्रोसेस है, बर्गेस प्रोसेस है। सेकंड है डायरेक्ट लिक्विफिकेशन ऑफ कोल। ये जो डायरेक्ट लिक्विफिकेशन है इसका मतलब ये है कि कोल से सीधा हम लिक्विड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम डायरेक्ट लिक्विफिकेशन ऑफ कोल कहते हैं। ये जो डायरेक्ट लिक्विफिकेशन ऑफ कोल है इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं CTL टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कोल टू लिक्विड बनने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है CTL टेक्नोलॉजी। नाउ केमिस्ट्री ऑफ बर्गेस प्रोसेस, इसकी जो केमिकल रिएक्शन है, कोल डस्ट सस्पेंडेड इन हैवी ऑयल। कोल डस्ट, यहाँ पर डस्ट पाउडर फॉर्म में है, इसका सस्पेंशन बनाया जाता है हैवी ऑयल में, अच्छे से मिक्स करके इसको सस्पेंडेड सॉल्यूशन बनाया जाता है। अब यहाँ पर इसका जो सस्पेंशन है, कोल सस्पेंशन और कोल और हैवी ऑयल दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो सस्पेंशन रेडी हुआ है, इसका हाइड्रोजनेशन किया जाता है। कितने डिग्री टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 200 टू 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब हम इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है मिक्स्ड हाइड्रोकार्बन, जिसका फॉर्मूला है CnH2n + 2
हाइड्रोकार्बन हमें क्या होता है, ऑब्टेन होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर जो कैटलिस्ट है ये है निकल और टिन ऑलिएट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होता है। हाइड्रोजनेशन होने पर मिक्स हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। ये जो मिक्स हाइड्रोकार्बन है, जब हम इसको कूल ठंडा करते हैं, कंडेंसेंस के थ्रू ठंडा करते हैं, तो क्रूड ऑयल और सिंथेटिक पेट्रोलियम ऑब्टेन होता है। ये जब सिंथेटिक पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल का जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें तीन इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन होते हैं। गैसोलीन, जो कि हमारा क्या है, सिंथेटिक फ्यूल, या हम कहें सिंथेटिक पेट्रोल है। सेकंड इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन मिडिल ऑयल, मिडिल ऑयल को हम फर्दर क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजनेशन कर हम ऑब्टेन कर रहे हैं गैसोलीन, या हम क्या है सिंथेटिक फ्यूल को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है हैवी ऑयल, हैवी ऑयल को हम क्या करते हैं, फर्दर रीयूज करते हैं। रीयूज यहाँ पर वापस हम क्या करते हैं, नए कोल डस्ट में फर्दर ये जो अगेन ये हैवी ऑयल प्रोड्यूस हुआ है उसको हम फर्दर क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल ऑफ बर्गेस प्रोसेस, बर्गेस प्रोसेस में कौन कौन से रॉ मटेरियल काम में लिया जाता है, कोल डस्ट, हैवी ऑयल, कैटलिस्ट जिसपे आपका निकल और टिन ऑलिएट और साथ में हाइड्रोजन, रॉ मटेरियल आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस आर कोल डस्ट, हैवी ऑयल, कैटलिस्ट जिसमें आपका है निकल और टिन ऑलिएट और हाइड्रोजन, इसके क्या है रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल हमने लिया और अच्छे से इसको पेस्ट बनाया। तो यहाँ पर है एक रोटेटर है, रोटेट होता रहता है, जिसमें हमने एप्रोप्रिएट अमाउंट में क्या लिया, हैवी ऑयल, कोल डस्ट या कोल पाउडर, कैटलिस्ट निकल और टिन ऑलिएट को अच्छे से हमने क्या किया, पेस्ट किया। अब इस पेस्ट को हाइड्रोजन के साथ हमने कन्वर्टर में इसको फोर्सफुली एंटर कराया। कन्वर्टर का जो टेम्परेचर है कितना है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर कितना है, 200 से 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कन्वर्टर का टेम्परेचर और प्रेशर हाई होने की वजह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे बना, कोल डस्ट का जब हाइड्रोजनेशन हुआ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट का टेम्परेचर प्रेशर काफी हाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डीकम्पोजिशन होगा। डीकम्पोजिशन होकर लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाले हाइड्रोकार्बन का क्या करेगा, फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है इसका जो समय है कितना है, 1.5 आवर्स से लेकर 2 आवर्स के बीच में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर रिएक्शन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा। जब लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन में जब कन्वर्ट होगा तो ये जो वेपर है ऊपर की तरफ उठेगी, ये जो गैसेस है, जो हॉट गैसेस है, अब हम क्या करेंगे, इसको कंडेंसर से जब पास करते हैं, कंडेंसर से जब पास करेंगे तो ये क्या होगा, ठंडा होगा, और ठंडा होने पर ये क्या बनाएगा, क्रूड ऑयल या हम कहें सिंथेटिक पेट्रोलियम लिक्विड का क्या करेगा, फॉर्मेशन होगा। अब ये क्रूड ऑयल या सिंथेटिक पेट्रोल का हम
किससे पास करेंगे? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से, या हम क्या है इसका फ्रैक्शनल जब डिस्टिलेशन करेंगे, तो यहाँ पर जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें अलग अलग फ्रैक्शन ऑब्टेन हो गए। जो भी अनकंडेंस गैसेस है वो क्या होगी? एलिमिनेट होगी। यहाँ पर अनकंडेंस गैसेस है C1 से लेकर C4 हाइड्रोकार्बन की जितनी भी गैसेस है वो क्या होगा? एलिमिनेट हो गए। और अलग अलग टेम्परेचर पर हमें क्या हो गए? अलग अलग फ्रैक्शन ऑब्टेन हो गए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन हमें ऑब्टेन हो रहा है गैसोलीन, जो कि क्या है? सिंथेटिक फ्यूल, सिंथेटिक फ्यूल, या हम कहें सिंथेटिक पेट्रोल। सेकेंड इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन हो रहा है मिडिल ऑयल। मिडिल ऑयल का फर्दर हम क्या करते हैं? हाइड्रोजिनेशन। हम इसका क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजिनेशन कर हम कुछ अमाउंट में गैसोलीन या सिंथेटिक पेट्रोल को हम ऑब्टेन करेंगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन हो रहा है हैवी ऑयल। ये हैवी ऑयल क्या होता है? ये नीचे सेटल हो जाता है और ये बना रहा है, ये जो है जब हैवी ऑयल नीचे सेटल हो जाता है तो ये हैवी ऑयल को फर्दर हम क्या करते हैं? रीयूज करते हैं। ये रीयूज फर्दर हम क्या करेंगे? नए कोल डस्ट और कैटेलिस्ट के साथ अच्छे से मिक्स करके फर्दर हम क्या करेंगे? गैसोलीन, मिडिल ऑयल और हैवी ऑयल फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? ऑब्टेन करेंगे। फ्लो चार्ट से समझ लें, कोल डस्ट, हैवी ऑयल, कैटेलिस्ट जिसमें आपका है निकल और टिन ऑलिएट का पेस्ट बनाया जाता है। पेस्ट बनाने के बाद इसका हाइड्रोजिनेशन कराएंगे। टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 200 से लेकर 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो रिएक्शन का जो टाइम है वो कितना है? 1.5 से लेकर 2 आवर्स में ये रिएक्शन क्या होती है? कंप्लीट होती है। जब इस पेस्ट का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। फिर उसके बाद ये क्या होता है, क्योंकि कन्वर्टर का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डीकम्पोज होगा। किसमें? लो मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा, जो कि क्या है? गैसीयस फॉर्म में है। अब ये जो हॉट वेपर है उसको हम किससे पास कर रहे हैं? कूलर से पास करते हैं। जब कूलर से पास करते हैं तो ये क्या होगा? ठंडा होगा। ठंडा होने पर ये क्या बना रहा है? क्रूड ऑयल, या हम कहें सिंथेटिक पेट्रोलियम को क्या करता है का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि किस फेज में है? लिक्विड फेज में है। क्रूड ऑयल और सिंथेटिक पेट्रोलियम का हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें 3 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन होता है। सबसे पहले हमें गैसोलीन, जो कि क्या है? सिंथेटिक पेट्रोल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन क्या है? मिडिल ऑयल है। मिडिल ऑयल का हम फर्दर क्या करते हैं? हाइड्रोजिनेशन। जब हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो कुछ अमाउंट में फर्दर क्या होता है? सिंथेटिक पेट्रोल, या हम कहें गैसोलीन ऑब्टेन होता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शन है वो क्या है? हैवी ऑयल। हैवी ऑयल को हम फर्दर क्या करते हैं? रीयूज करते हैं। यहाँ पर रीयूज में है जब वापस हम नई कोल डस्ट, नई कोल डस्ट, हैवी ऑयल और कैटेलिस्ट, इन सभी को मिक्स करके फर्दर हम क्या करते हैं? गैसोलीन का फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू गाइस। आप मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाकर देखें, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिंक जैसे इंस्टाग्राम पेज का लिंक, वाटर केमिस्ट्री का लिंक, फ्यूल एंड कंबशन का लिंक, बायो केमिस्ट्री का लिंक और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लिंक दे रखा है, जाकर देखें। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स के बीच में आप इसको शेयर करें।